जय हिंद साथियों, आप सभी का सैनिक वेलफेयर अपडेट्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्पर्श के द्वारा जो मैसेज या ईमेल भेजे जा रहे हैं जिसमें यूजर आईडी और पासवर्ड दिया गया है, यानी प्री 2016 के जितने भी रिटायरी हैं सबका स्पर्श में माइग्रेशन होना जारी है दोस्तों, और ये सबका ही होगा। बट अब जिसको इसमें कुछ आईटी की नॉलेज कम है, सभी लोगों को ये संभव नहीं हो पा रहा है कि इसमें कैसे क्या करना है, यानी यूजर आईडी पासवर्ड कैसे चेंज करना है, कैसे रिसेट करना है, सब लोगों को पता नहीं है। जिसको पता है उसको ठीक है, जिसको पता नहीं है इस वीडियो में आज हम वही बताने वाले हैं, स्टेप वाइज क्या होगा जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, स्पर्श के द्वारा ये भेजा गया ईमेल है। आपको मैसेज ईमेल के थ्रू भी आ सकता है और आपके मोबाइल रजिस्टर नंबर पे भी आ सकता है। तो इस तरह का आपको मैसेज यदि मिला होगा जहाँ पर आपका ईमेल आईडी दिया होगा, यहाँ पर नाम दिया होगा, यहाँ पर आपका पेंशनर आईडी दिया होगा और यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड दिया होगा, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर ओटीपी जिसमें आएगा वो दिया होगा, इस तरह से आपको दिख रहा होगा। अब आपने क्या करना है, आगे की कार्रवाई समझते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपका आएगा यानी 14 नंबर्स का यूजर नेम यहाँ पर आएगा, यूजर आईडी जिसमें 14 डिजिट होंगे, 12 डिजिट आपका स्पर्श पीपीओ माना जाएगा और 2 डिजिट जो सफिक्स से 2 नंबर है वो इसको यूजर आईडी बनाने के लिए इसमें 01 ऐड किया हुआ है, और पासवर्ड कुछ इस तरह से जो आपको दिख रहा है इस तरह से आपको पासवर्ड आया होगा। अब क्या करना है, आपने फर्स्टली आपने रिसेट योर पासवर्ड करना है और चेंज एज योर चॉइस, यानी आप जब लॉगिन में जाएंगे तो वहां ऊपर में जो आपको ये आईडी दी होगी ये डालना है और उसमें आपने ये पासवर्ड जो नीचे इस टाइप का आएगा वो डालना है, उसको रिसेट आप चेंज करना है। फिर जैसे आप उसमें क्लिक करेंगे तो चेंज आपको पासवर्ड मांगेगा, इसमें आपने अपने तरह का जो भी आपको अच्छा पासवर्ड लगता है जो आपको याद रहे वो आपने अपनी सुविधा के अनुसार वहां पर डाल देना है। उसके बाद आपने फिर अगेन लॉगिन करना है स्पर्श पोर्टल पर, जो पासवर्ड आपने चेंज किया वो डाल के, और ये आपका यूजर आईडी ये दिया हुआ है, ये जैसे डालेंगे आपका चेंज पासवर्ड वाला डालेंगे तो वहां पर आपको अंदर एक अलर्ट मैसेज मिलेगा, उसमें यही बोलेगा कि जो अंडरटेकिंग है उस फॉर्म को भर के आप आगे सबमिट कर दो, यानी यहाँ पर अंडरटेकिंग फॉर्म एक दिखेगा जिसमें रिफंड ऑफ एक्सेस पेमेंट करके एक वो अंडरटेकिंग करा लेते हैं, वो आपने वहां पर सबमिट कर देना दोस्तों। अब हम चलते हैं स्पर्श के साइड में। जैसे भी आप अपना ब्राउजर में लॉग इन करेंगे कि spurs.defensepension.gov.in, तो इस तरह से आपको स्पर्श की साइट खुल के सामने आ जाएगी। अब यहाँ पर आगे की कार्रवाई आपने क्या करनी है, इनकेस आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई भी समस्या है, तो स्पर्श ने यहाँ पर CSC लोकेटर यानी कॉमन सर्विस सेंटर की सुविधा यहाँ पर दे दी गई है। कुछ किसी भी प्रकार की दिक्कत आने से आपने यहाँ पर जाना है, इसको आपने ओपन करना है, सर्विसेज सेंटर लोकेटर में आपने जाना है और यहाँ पर आपने इस सुविधा को लेना है। यहाँ पर आपने देखना है दोस्तों जिस भी स्टेट के आप यहाँ पर स्टेट टाइप करेंगे, जैसे सपोज मैं दिल्ली कर देता हूँ, तो ये जितने भी दिल्ली के आपके सर्विस सेंटर नेम पूरे यहाँ पर दिखा देगा ऊपर में। अब यहाँ पर आपको एड्रेस मिलेगा उसका, स्टेट मिल गया, डिस्ट्रिक्ट होगी, पिन कोड नंबर आ गया और उस व्यक्ति का नाम आ जाएगा जो कि आपका, जिससे आपने कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएगा जिससे आपने हेल्प लेनी, जिस सेंटर से आप इसको डायरेक्ट फोन करके भी पता कर सकते हैं दोस्तों। तो ये कोई भी समस्या किसी भी तरह की आपको स्पर्श से आती है तो यहाँ पर आप कॉल करें, और यदि आपको आगे भी जो कार्रवाई लाइफ सर्टिफिकेट जो भरना है या देना है उसके लिए भी आप इस सेंटर का उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। तो ये थी एक जानकारी, फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, जय हिंद जय भारत।